इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में समझेंगे हाउ डज अ सोलर सेल वर्क्स सोलर सेल एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल और पी सेल भी बोला जाता है सोलर सेल बेसिकली टाइप ऑफ पी जंक्शन डायोड होता है कुछ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक करेंट वोल्टेज आर वेर व्हेन वेन एक्सपोज टू द लाइट जब डिफरेंट सोलर सेल को एक साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ मॉड्यूल तो उसको सोलर पैनल बोलते हैं कॉमन सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सोलर सेल कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली जीरो टू जीरो वोल्ट सिंस इट इज़ वेरी लेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज

जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एंड जिस इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल सोलर सेल को जब टॉप से देखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रोटेक्टिव ग्लास से कवर किया हुआ रहता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर स्लाइट मेटल स्ट्रिप बना हुआ रहता है जिसको फिंगर मेटालिक स्ट्रिप भी बोलते हैं जिसके थ्रू इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करती है सोलर सेल के वर्किंग को समझने के लिए इसके मेन लेयर्स को समझना होगा सोलर सेल में बेसिकली दो लेयर होता है अपर लेयर एन टाइप मटेरियल का बना हुआ रहता है एंड लोअर लेयर जो है वो पी टाइप मटेरियल का बना हुआ रहता है सोलर सेल के टॉप पर ट्रांसपेरेंट ग्लास एज अ प्रोटेक्टिव कवर प्लेस्ड रहता है सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं इसमें जो एन टाइप लेयर है वो भेरी थिन होता है एंड हाईली डोप्ड होता है एन टाइप को थिन इसलिए बनाते हैं ताकि इंसिडेंट होने वाली लाइट एन टाइप लेयर को क्रॉस करके जंक्शन तक आ सके एन टाइप लेयर का थिकनेस अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर होता है एंड जो पी टाइप लेयर है वो थिक होता है एंड लाइटली डोप्ड होता है पी टाइप लेयर का थिकनेस जो है वो अबाउट 300 माइक्रोमीटर रहता है इसमें डोपिंग का मतलब होता है कि कुछ केमिकल एलिमेंट्स को पी टाइप एंड एन टाइप सेमी मटेरियल में इंक्लूड करते हैं जिस पर मटेरियल का कंडक्टिविटी डिपेंड रहता है सोलर सेल के लोअर पोर्शन पर मेटालिक बेस अटैच रहता है जिसको सबस्ट्रेट बेस भी बोलते हैं लोअर बेस मेटल एंड अपर मेटालिक फिंगर स्ट्रिप की हेल्प से इमेटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं तो अपर स्ट्रिप एंड लोअर बेस मेटल जो है वो इलेक्ट्रोड का काम करता है एन टाइप मटेरियल जो है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है और वी कैन से एज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है एंड पी टाइप मटेरियल में एज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स प्रेजेंट रहता है मेजोरिटी का मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी एंड माइनोरिटी का मतलब है कम क्वांटिटी एन टाइप में मोर क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स रहता है एंड पी टाइप मटेरियल में मोर क्वांटिटी में होल्स प्रेजेंट रहता है एंड जब भी एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल को एक साथ कंबाइन करते हैं तो एन टाइप में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके पी टाइप लेयर में आ जाता है एंड कुछ होल्स को भर देता है एंड जिस पोर्शन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है वहाँ पे होल्स क्रिएट होता है सो एज़ वी नो होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर के कारण यहाँ पे एक रीजन क्रिएट होता है जिसको डिप्लिसन रीजन बोलते हैं डिप्लिसन रीजन में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल स्टेट में रहता है एंड जब सोलर एनर्जी और सन रे एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन्स के फॉर्म में सोलर सेल के एन टाइप लेयर पर इंसिडेंट करती है तो सिंस एन टाइप लेयर काफ़ी थिन रहता है सो सन रेज एन टाइप लेयर को क्रॉस करके इस डिप्लीशन रीजन पर स्ट्राइक करती है जब फोटोन्स इस लेयर पर स्ट्राइक करता है तो सेमी कंडक्टर मटेरियल के एटम से इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होता है दैट रिमेन फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट होता है तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की ओर मूव करता है एंड जो होल्स है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर को रिमूव करता है एंड जब अपर मेटालिक फिंगर स्ट्रिप एंड लोअर मेटालिक बेस जो है जो कि एज एन इलेक्ट्रोड बिहेव कर रहा है दोनों को वायर के थ्रू शॉर्ट करेंगे तो एक क्लोज लूप क्रिएट होगा बाय द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इमेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपर मेटालिक स्ट्रिप के थ्रू इस वायर से होते हुए लोअर मेटालिक बेस में फ्लो करेगा एंड एज़ वी नो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करेंट तो इस सर्किट में एक करेंट फ्लो करेगी एंड जब इस पॉइंट पर एज अ लोड एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा यहाँ पर सोलर सेल की जो आउटपुट करेंट है वो स्ट्राइक होने वाली लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड रहता है लाइट की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगी आउटपुट करेंट भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी सोलर सेल के वी आई करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है जबकि नॉर्मल पी एन जंक्सन डायोड का जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सोलर सेल का कैरेटरिस्टिक्स डिफरेंट होता है क्योंकि पी एन जंक्सन डायोड में हम लोग बैटरी के हेल्प से वोल्टेज सप्लाई करते हैं जबकि सोलर सेल में हम लोग कोई वोल्टेज सोर्स का यूज नहीं करते हैं ये खुद वोल्टेज प्रोड्यूस करता है सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से बनेगा उसको हम लोग समझते हैं जब सर्किट ओपन रहता है तो उस टाइम ओपन सर्किट वोल्टेज मिलता है एंड उस टाइम करेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो रहती है एंड वोल्टेज मैक्सिमम होता that is VOC, है दैट इज़ भी ओ सी जिसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं इसको पॉइंट ए से डिनोट कर रहे हैं एंड जब लोड मतलब कनेक्ट रहता है मतलब सर्किट शॉर्ट रहता है कंप्लीट सर्किट रहता है मैक्सिमम करंट उसका सपोज़ यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़ आई एस सी तो पॉइंट ए एंड बी के बीच इस तरह कर्व बनता है यहाँ पर पॉइंट ए ओपन सर्किट वोल्टेज को डिनोट कर रहा है एंड पॉइंट बी जो है वो शॉर्ट सर्किट करेंट को डिनोट कर रहा है देर आर मेनी एडवांटेजेज ऑफ सोलर सेल सोलर एनर्जी एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है जो कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करता है जब हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो रिड्यूस होता है सिंस सोलर एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट टर्मेंडस अमाउंट में अवेलेबल है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इट इज़ अ बिग एडवाटेज सोलर सेल ड्यूरेबल एंड रोबस्ट होता है एंड इससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं जब हम लोग सोलर सेल का यूज करेंगे तो हम लोगों को कंटिन्यू सप्लाई मिलता है अल्सो देर आर समिसवानजेस लाइक सोलर सेल को हम लोग उस टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं जब लाइट अपसेंट रहेगा मतलब नाइट में या फिर आपसेंस ऑफ लाइट के सिचुएशन में हम लोग सोलर सेल को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं सोलर सेल को इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है सोलर सेल का यूज मेनी अप्लीकेशन में किया जाता है लाइक टॉयज वॉच एंड कैलकुलेटर्स में इसका यूज किया जाता है इसका यूज इलेक्ट्रिक फर्नेस में किया जाता है रिमोट लाइटिंग सिस्टम में सोलर सेल का यूज किया जाता है वाटर पंपिंग एंड वाटर ट्रीटमेंट में भी सोलर सेल का यूज किया जाता है इमरजेंसी पावर जनरेट करने के लिए सोलर सेल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक कार्स में भी हम लोग सोलर सेल का यूज करते हैं फॉर पोर्टेबल पावर सप्लाई सोलर सेल का यूज किया जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर सेल आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें